हाय एवरीवन, वेलकम टू विशाल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बड़ी जबरदस्त से कर रहे होंगे। और आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं, क्या सर सोशियोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं है जिस कारण से आप हम लोगों को नहीं बता रहे? तो मेरे भाई, आप लोगों के लिए ना, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर था 17 तारीख को। तो इकोनॉमिक्स आपको पता होगा, जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स लिए हैं, तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड के एक देखा जाए तो अलग सब्जेक्ट है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स को मैं भरपूर तैयारी करवा दिया हूँ और आज से हम लोग का क्लास स्टार्ट होगी। एक दिन में 3 क्लास होगी, सुबह दोपहर शाम तबड़तोड़ तरीके से क्लास होगी। साथ ही साथ हम लोग सोशियोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग तैयारी करेंगे पॉलिटिकल साइंस का भी। तो अनाउंस कर दीजिएगा, आप लोग जरूर अनाउंस कीजिएगा मेरे भाई, कि पॉलिटिकल साइंस का भी क्लास अब मिशाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। और आज जो आप लोगों के सामने 200 क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये 200 नहीं बल्कि ये सजेस्ट मैं करूंगा आप लोगों को 500 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन आपके पास होगी, लेकिन ये 200 जो क्वेश्चन है ना, मैं हर एक क्वेश्चन को अपनी तरफ से मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पर बने रहें, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें, ठीक है? तो चलिए सर, एक एक क्वेश्चन को हम लोग आगाज करते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको, आप लोगों को ध्यान से देखना है। जब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। नगरी समुदाय की कौन सी विशेषता है? अच्छा, आपको पता है नगर किसे कहते हैं, ग्रामीण किसे कहते हैं? ये इतना नॉलेज तो होना चाहिए, और नॉलेज नहीं है तो कॉलेज नहीं है, ये भी बात पता होना चाहिए। नगरी समुदाय किसे, ग्रामीण जहां पे हम लोग देहाती लोग रहते हैं, जो प्राथमिक क्रिया पर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर करते हैं प्राथमिक क्रिया पर। अगर मैं बात करूं नगरी के समुदाय के बारे में, तो नगर मतलब होता है बड़े बड़े टाउन, बड़े बड़े सिटी जैसे रांची, धनबाद, दुमका, पाकुड़, ये क्या है, एक तरह से एजुकेशन का हब है। तो वहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या के तुलना में वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, पहला कंडीशन। ग्रामीण की तुलना में वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा होगा, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, व्यक्तिवादी होगी वहाँ पे, जनसंख्या घनत्व होगा। ग्रामीण में कितना व्यक्ति रहता है, 200 से 1000 रहता होगा। हाँ जी, 1000 से 2000 रहता है ना। और हम लोग जैसे अभी रांची में है, तो रांची में मान के चलिए कम से कम गैदरिंग होगी, घनत्व होगा। तो पहला कंडीशन, स्त्रियों की साक्षरता में उच्चतम होगी। बिल्कुल सही बात है कि वहां पे स्त्रियां पढ़ी लिखी होगी जो टाउनशिप में रहते हैं। जनसंख्या घनत्व होगी, व्यक्तिवादी होगी। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आगाज करते हैं सर अगला क्वेश्चन, पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? जो पंचायत राज व्यवस्था है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिर्फ सुनना है। सबसे पहले आपको याद रखना होगा पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना कहां हुई थी, तो बताएंगे सर राजस्थान में। कहां मेरे दोस्त? राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा कौन सा दिन में हुआ था, कब हुआ था, तो खुद के बताएंगे 2 अक्टूबर 1959 को। अगर आपसे पूछा जाएगा वह समिति का नाम बताए मेरे भाई, वह समिति का नाम बताए, तो बताएंगे सर बलवंत राय मेहता समिति, राय मेहता, मेहता समिति, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वह राजस्थान के कौन से जिला था जहां पे लागू किया गया था, तो मैं कूद के बताऊंगा, क्या मेरे दोस्त, मैं कूद के बताऊंगा नागौर, क्या, नागौर जिला, याद रखिएगा मेरे भाई। और याद रखिएगा, मैं बात में एक बात बताना भूल गया हूँ, ये जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है, नाइट को क्लास चलेगा आप लोगों का सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लोग दोनों लेकर चलेंगे, बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, बस आप लोग शेयर करना ना भूलिएगा। राजस्थान में सबसे पहले क्या गया था, 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति के तहत राजस्थान के कौन से जिले में, तो बताएंगे सर नागौर जिले में। कहाँ मेरे दोस्त? नागौर जिले में, खुद के बताएंगे। चलिए सर, तो बोल सकते हैं सर इसका राइट आंसर वो क्या, 1959, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, पंचायत राज व्यवस्था में सर्वे सबसे प्रमुख कार्य कौन है, तो बताएंगे सबसे प्रमुख कार्य होता है सर ग्राम सभा का। किसका मेरे भाई? प्रमुख कार्य होता है सर किसका? ग्राम सभा का। अगला क्वेश्चन पे आते सर, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार की विशेषता है, याद रखिएगा ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली का क्या आपका विशेषताएं? सबसे पहले मैं बात बता दूं, अगर ज्वाइंट फैमिली होगा ना, तो कोई दुश्मन आप पर हमला नहीं कर सकेगा। अब बताइए, आपको 5 भाई है, 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, ये आप लोगों का घर है। अब बताइए सर, 1 भाई रहता है यहाँ पे, 1 यहाँ, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ और 1 अमेरिका में रहता है। ये देखिए, ये ज्वाइंट फैमिली नहीं है, भले आप लोग आपस में भाई बहन है, लेकिन गैदरिंग कितना आपका, गैदरिंग यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कितना आपका विरल दिख रहा है। तो मेरे भाई, यहाँ पे लोग आपको आसानी से हमला
कर सकते हैं, लेकिन यहां पे लोग हमला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे यहां पे 5 एटम बम रखा हुआ है, और यहां कहेंगे यहां पे अगर मैं हमला करूंगा एक ही एटम बम है, यहां पे भी एक ही एटम बम है, इसलिए हमेशा ज्वाइंट फैमिली में रहा कीजिए। तो बोलेंगे सर बड़ा आकार होती है, याद रखिएगा सामान्य संपत्ति होती है, सामान्य निवास होती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमकरण सामाजिक परिवर्तन का कारक है? तो बताएंगे सर समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर परियोजना कार्य के कौन से चरण है? परियोजना कार्य के कौन से चरण होंगे? तो अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन प्रतिविधि का चुनाव, तथ्यों का संकलन, प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का ई इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगाज करते हैं सर अगला क्वेश्चन में। कांग्रेस पार्टी का स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई, तो आपको कूद के बताना है मेरे दोस्त 1885। क्या मेरे भाई 1885। अगर मैं बात करूं, अगर कांग्रेस से रिलेटेड अगर दो चार मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका स्थापना जिसने किया था उसका नाम था एओ ह्यूम। क्या नाम था मेरे दोस्त? एओ ह्यूम। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन मेरे भाई? बदरुद्दीन तैयब। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तैयब, बदरुद्दीन तैयब जी। तो एक एक करके आप लोगों को ध्यान से देखना है मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को हम लोग को छोड़कर नहीं आना है। हिस्ट्री में जिस भी स्टूडेंट्स ने, जो जो स्टूडेंट्स ने 28, 29, 27, 25 सही किए हैं, दिल पे इरादा कीजिए हिस्ट्री जैसा गलती काम नहीं करेंगे, और सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में 30 में से 30 ठोकर आएंगे। क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से साप्ताहिक बाजार कौन सा है? जो सप्ताह में दो एक बार लगते हैं उसे हम लोग साप्ताहिक बाजार कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार लगते हैं मेरे दोस्त, उसको हम लोग साप्ताहिक बाजार कहते हैं। यस या नो जल्दी से बता दीजिए। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और सॉरी और टेंशन नहीं लेना है, जैसे आप लोग क्लास 12 पास हो जाएंगे ना, आपको इसी यूट्यूब चैनल में पार्ट 1 याद रखें, मेरे फर्स्ट ईयर की तैयारी से लेकर एक बार में आप लोग का फोर्थ, याद रखिएगा फोर्थ मेरे भाई, फोर्थ ईयर तक की तैयारी यहाँ पे किया जाएगा। यानी आपका सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 सारा चीज यहाँ पे तबड़तोड़ तरीके से, वो भी ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं मेरे भाई, ऑनलाइन क्लास चलेगी। आप लोग बस यहाँ पे जुड़े रहिएगा, और जितना ज्यादा हो सके मैं एकदम सरल सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। क्यों सर? क्योंकि आप सभी को पता है अभी आप लोग क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग कितना आंसर लिख रहे होंगे, जोर से जोर आप लोग आधा पेज लिख रहे होंगे या तो एक पेज, लेकिन वहां पे ना सेमेस्टर 1 में एक क्वेश्चन का आंसर लगभग आपको 4 से 5 पेज लिखना होगा। आप बताइए क्या आप उतना लिख पाएंगे, आप याद कर पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर चीजों को हम लोग समझ जाएंगे तो लिखने में 5 पेज क्या, मैं 10 पेज भी लिख सकता हूं अगर मुझे समझ में आ जाए तो। क्वेश्चन पे आगाज करते सर, लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक सूचक कहा जाता है? तो बताएंगे सर घरेलू हिंसा। क्या मेरे दोस्त? घरेलू हिंसा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण कौन सा है? अच्छा सांप्रदायिकता का मतलब पता है आप लोगों को? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये सांप्रदायिकता वाला आएगा ही आपसे क्वेश्चन, कि थोड़ा सा बता दीजिए सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है। सांप्रदायिक का मतलब होता है दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे धर्म के प्रति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म से घृणा करना, यह भी एक तरह का सांप्रदायिकता है। अच्छा मैं बता दूं सांप्रदायिकता का देहाती लैंग्वेज में मान लेते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान लोगों से मैं घृणा करता हूं, मुस्लिम जाति से मैं घृणा करता हूं, या तो मुस्लिम के जातीय के जो लोग हैं मैं उनसे कहता हूं कि मेरा हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो इसी को हम लोग सांप्रदायिकता के नाम से हम लोग जानते हैं, मतलब दूसरे धर्म के प्रति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति को ही सांप्रदायिकता कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये मार्क्स आपका 2 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी। तो आगाज करते हैं सर, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक स्वार्थ। क्या हो जाएगा? राजनीतिक स्वार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया गया था कब सर? तो बताएंगे सर ये सूचना अधिनियम पारित किया गया था 15 जून 2005 को। कब मेरे दोस्त? 15 जून 2005 को। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हरित क्रांति के संबंध है, अगर आपसे पूछा जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं भारत में 2 चीज में बता रहा हूं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाएगा, या तो विश्व में हरित क्रांति का जनक अगर आपसे पूछा जाएगा तो किसे कहेंगे, दोनों को समझिए। भारत के बारे में पूछा जाएगा डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन, विश्व में पूछा जाएगा तो बताएंगे सर डॉक्टर बोरलॉग। क्या मेरे दोस्त?
डॉक्टर बोरलॉग को कहा जाता है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे हरित क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से नहीं बल्कि कृषि से है। क्या मेरे भाई इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, कृषि से संबंधित है। ठीक है, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आदिवासी महासभा एक संगठन था, आदिवासी महासभा एक संगठन है किसका, संथालों का एक आदिवासी महासभा का संगठन है। आदिवासी अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई कि आपका संथाल विद्रोह कब हुई थी, 1855 में। इसका स्थापना किसने किया था तो बताएंगे सर सिद्धू। क्या मेरे भाई, सिद्धू और दो व्यक्ति था और कानू, याद रखेंगे मेरे भाई सिद्धू और कानू ने दोनों ने मिलकर संथाल विद्रोह शुरू किया गया था 1855 में। क्या आप लोगों को मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मुझे करना चाहिए या नहीं एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आज क्लास स्टार्ट हुआ है, आप लोगों के सपोर्ट में तबड़तोड़ तरीके से एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले भरपूर क्लास दूंगा, ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी। ठीक है, राजमोहनी आंदोलन संबंधित है, जो राजमोहनी आंदोलन है वह जनजातीय आंदोलन से संबंधित है, किससे, जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी, दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुई थी तो बताएंगे सर 1984 में। क्या मेरे दोस्त 1984 में दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पर आगाज करते हैं सर, निम्नलिखित समूह में से किसे आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं, सबसे छोटे तो बताएंगे सर पारसी को। किसको मेरे भाई, पारसी को हम लोग मानते हैं सबसे छोटे, क्या मानते हैं, सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक मानते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि आल भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है तो धार्मिक आधार पर छोटे समुदाय, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है, भारत में वह कौन सा राज्य है जिसमें ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है तो बताएंगे सर केरल में। किसमें सबसे ज्यादा अगर है तो वो है कहां पे, केरल में। ठीक है, और याद रखिएगा हम लोग नाइट में डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त सब्जेक्टिव। क्या मेरे भाई, सब्जेक्टिव के लिए भी आप लोग तैयार रहिए, भरपूर तैयारी करवा दूंगा। धर्म के आत्रित अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण की दूसरी कसौटी क्या है, भाषा। क्या है मेरे भाई, भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगी। अल भारतीय भारतीय समाज के संदर्भ में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न करने वाला कारक क्या है, राजनीतिक दलों का स्वार्थ होना। स्वार्थ बोलते हैं ना, स्वयं के लिए देख रहा है, स्वार्थ मतलब अपने लिए देख रहा है किसी और के लिए नहीं। नेता लोग यही करते हैं ना, जब चुनाव आती है सब कहते हैं मैं विकास कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वहां चापाकल गड़वा दूंगा, यहां मैं कुआं खोदवा दूंगा, सब कहते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वह स्वार्थ हो जाते हैं। क्या मेरे भाई, स्वार्थ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, भारत सरकार ने सबसे पहले एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी तो बताएंगे सर 1978 को। क्या था, क्या मेरे क्या था मेरे भाई 1978, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जनजाति नहीं है, इसमें आपको बताना है कौन जनजाति नहीं है, मुंडा, थारू, संथाल है, लेकिन गोप क्या है, एक प्रकार का टाइटल है। क्या है गोप, एक प्रकार का क्या है मेरे दोस्त, टाइटल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, उराव जनजाति किस राज्य के निवासी है, जो उराव जनजाति है वो झारखंड के है। क्या मेरे भाई, याद रखिएगा झारखंड के है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, युवा संगठन पाया जाता है जनजाति समाज में, कहां पे, जनजाति समाज में युवा संगठन पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, कौन समस्या जनजाति जीवन से संबंधित नहीं है, इसमें आपको बताना है को कौन सी जो समस्या है ना वो जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है। तो मेरे भाई याद रखिएगा छुआछूत, ये भारत के अनुच्छेद, क्या ये भारत के कौन सा अनुच्छेद में दर्शाया गया है तो भारत में के अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया है कि छुआछूत के अगर कोई दूसरा धर्म के जाति, अगर कोई दूसरा धर्म के जनजाति से अगर वो छुआछूत करते हैं तो भारत के संविधान की यह खूबसूरती है कि वह आर्टिकल यानी अनुच्छेद 17 के तहत अपने नजदीकी थाना के पास जाकर उनके ऊपर में FIR दर्ज कर सकते हैं। यह हमारे संविधान की खूबसूरती है। अगर आपसे प्रेजेंट टाइम में मेरे दोस्त अगर आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार कितना है, खुद के बताएंगे पहले था सर 7, अभी हो गया है 6। ये मौलिक अधिकार के बारे में आपके पेपर में आएगा ही आएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से भाग में बताएगा मौलिक अधिकार को तो भाग नंबर 3 में, कौन से भाग में, भाग नंबर 3 में। क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है तो बताएंगे सर टोंडा। मेरे भाई टोंडा जनजाति में जो है ना, टोंडा जनजाति में बहुपति विवाह पाया जाता है, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर परिपक्षा विवाह, विवाह का एक प्रकार है, परिपक्षा विवाह विवाह का एक प्रकार है जनजाति समाज का, किसका मेरे दोस्त, जनजाति समाज का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर की परीक्षण विवाह पाया जाता है, जो परीक्षण विवाह है
वो कहाँ पे पाए जाते हैं, भील जनजाति में। कहाँ मेरे भाई, भील जनजाति पाए जाते हैं। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही तो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था को लागू किया था, बलवंत राय मेहता समिति। मेरे भाई किसने, बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहले कहां पे हुआ था सर, राजस्थान में। राजस्थान को कौन सा जिला सर, नागौर जिला। कब हुआ था सर, 1959। अगर पूरा डेट पूछे खुद के बताना है, 2 अक्टूबर 1959 को। किस समिति के तहत, बलवंत राय मेहता समिति। एक ही क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से देखना है, कौन सा स्तर की बात करता है, त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगाज करते हैं। क्वेश्चन है सर पंचायत का कार्यकाल क्या है, पंचायत का कार्यकाल होती है मेरे भाई याद रखिएगा 5 साल का। कितना, 5 साल का होता है सर। पंचायत राज अधिनियम का पारित किया गया था 1959 में। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। संविधान के लिए संशोधन के द्वारा संपूर्ण भारत में पंचायत राज व्यवस्था को एक समान रूप प्रदान किया गया है, याद रखिए कौन सा अनुच्छेद में, तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन। याद रखें मेरे भाई 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के बारे में डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस में बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पंचायत के बारे में डिस्कस किया गया है 73वें संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछा जाएगा 74वें संविधान संशोधन में किसके बारे में उल्लेख किया गया है, खुद के बताएंगे मेरे भाई किसके बारे में, तो बताएंगे सर नगर पालिका, नगर पालिका। मेरे भाई एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, नहीं तो फिर रोएंगे एग्जाम देने से पहले, ठीक है, एग्जाम देने से पहले नहीं, एग्जाम देने के बाद। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत राज व्यवस्था, 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका के बारे में उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। इसमें 11वां जो अनुसूची है, भारत में कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची है मेरे भाई, तो सॉरी अनुसूची। अगर अनुसूची की बात करें कि कौन सा अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, 11वीं अनुसूची मेरे दोस्त, कौन सा अनुसूची, 11वीं अनुसूची। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 12वीं अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है मेरे भाई, क्या है जल्दी से बता दीजिए, याद रखिएगा 12वीं अनुसूची में किसके बारे में उल्लेख किया गया है, तो नगर पालिका। क्या मेरे दोस्त, नगर पालिका। कितना क्वेश्चन बताया हूँ एक बार नोट डाउन कर लीजिए, पहले से ही पहले से आता है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो मेरे भाई एक बार नोट डाउन कीजिए, क्योंकि रोएंगे, मुझे यकीन है ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगा। पहला, 73वें संविधान संशोधन किसके बारे में उल्लेख किया गया है, पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत राज व्यवस्था में कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है, तो बताएंगे सर 11वीं अनुसूची में। कौन सा, 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में किसको दर्शाया गया है, नगर पालिका। नगर पालिका को कौन सा संविधान संशोधन द्वारा दर्शाया गया है, 74वें संविधान संशोधन। लिख लेंगे ना मेरे भाई, अच्छा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मुझे करना चाहिए या नहीं, आप लोग कॉमेंट नहीं करते मेरे भाई, एक बार कॉमेंट कीजिएगा। या तो मुझे सर क्वेश्चन बताना है, आंसर क्वेश्चन आंसर, या तो मुझे जब एक्सप्लेन करूंगा, मुझे जहां तक लगता है ना कि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपके माइंड में धंसता होगा, ऐसे अनु बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, तो बोल सकते हैं सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, 73वें संविधान संशोधन। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पंचायत राज व्यवस्था में कितने स्तर होती है, तो बताएंगे सर 3 स्तर होती है। कितने मेरे भाई, 3 स्तर होती है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है, तो बताएंगे सर 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन में बताया गया है कि महिला की सीटों को बढ़ा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, नई पंचायत राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है, तो बताएंगे सर 33.33%। कितना मेरे दोस्त, 33.33%, ठीक है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आगाज करते हैं, आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज और इसके बाद स्वराज पार्टी का स्थापना, ये सब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन याद रखना है। आर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाएगा, तो मैं बता दूं दयाराम सरस्वती, याद रखेंगे मेरे भाई, कौन हो जाएगी, दयाराम सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर 36 है सर, ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय। देखिए दोनों क्वेश्चन में ना बहुत डिफरेंट है, इन दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंट है मेरे दोस्त। आर्य समाज है यहाँ पे दयाराम सरस्वती, बारी समाज होगी मेरे भाई, ब्राह्मण समाज हो जाएगी राजमोहन, राजा राम मोहन राय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आगाज करते सर अगला क्वेश्चन 37 है, सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाला किसने था, सबसे पहले सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय ने उठाया था। ए मेरे भाई आप लोगों को सती प्रथा के बारे में नॉलेज है ना, सती प्रथा बहुत दुरंत मतलब मेरे नजर में अगर देखा जाए, मैंने जब तक मैं जब से हिस्ट्री इतिहास पढ़ रहा हूं, सबसे गलत काम अगर मैं देखा तो यही था। क्या
पता है ये आप लोगों का जो सती प्रथा है, ये सती प्रथा में जब कोई महिलाएं के मर्द मतलब अपने हस्बैंड जब डेट कर जाते थे तो उसको उठा करके उस महिलाओं को भी उसी चिता में जला दिया जाता था। हम लोग थोड़ा सा भी जल जाते हैं मेरे भाई, कितना दर्द होता होगा। सोचिए उस लड़की को पकड़ कर वो भागती होगी, चिल्लाती होगी, चीखती होगी, सोचिए उसको उठाकर उसी चिता में डाल दिया जाता था। सोचिए कितना दुरुपयोग था, बहुत मतलब घिन आता है मेरे भाई। ऐसे ऐसे समाज गुजरा है, ठीक है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। मैंने अभी तीन समाज के बारे में बताया हूँ, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज और उसके बाद सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का वर्तमान नाम क्या है? तो नागरिक अधिकार संरक्षण कानून। क्या? नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सी। आते सर अगला क्वेश्चन, दहेज निरोधक अधिनियम का पारित किया गया? दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया था 1961 में। क्या मेरे भाई? 1961 में। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी बी। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है मेरे भाई? याद रखिएगा चिपको आंदोलन गोरा देवी है। कौन है? याद रखिएगा आपसे क्या पूछा गया, जनक, ठीक है। कौन हो जाएगा? गोरा देवी। कौन सा राज्य से शुरू हुआ था? तो बताएंगे सर वह राज्य का नाम था क्या? उत्तराखंड। महिलाओं ने कहा था, ये क्वेश्चन फिक्स है आपके पास आएगी 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, चिपको आंदोलन पर एक लेख लिखे। उत्तराखंड के महिलाएं जब लोग आपका पेड़ को काटने के लिए आते थे तो कहते थे वहां के महिलाएं कि बाबू रे तोहनी के पेड़ काटने से पहले हमने के लाश से गुजरल है, तो मतलब पेड़ काटने से पहले हम लोगों को काटना पड़ेगा। महिलाएं लोग क्या करते थे, उस पेड़ पे आकर चिपक जाते थे और लोग इस पेड़ को नहीं काट पाते थे। इस तरह से महिलाओं ने अपने कंधे से कंधे मिलाकर इस आंदोलन में हाथ बटाए और बहुत सारे ऐसे पेड़ों थे जिसको क्या किए, काटने से बचाए। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी गोरा देवी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते सर पर्यावरण आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से, पर्यावरण आंदोलन किससे संबंधित होगी? पर्यावरण से संबंधित होगी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्या से जुड़ा हुआ है? पर्यावरण समस्या से कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ है? तो मेरे भाई बताएंगे सर आदिवासी आंदोलन। क्या जगह आपका, किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण से जुड़ा हुआ है? देखिए पर्यावरण से चिपको आंदोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? चिपको आंदोलन होना चाहिए, है ना। चलिए सर आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का संबंध किससे? चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की रक्षा के लिए, किससे लिए? वृक्षों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन। आगाज करते हैं सर अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की? चिपको आंदोलन की अगुवाई क्या था? सुंदरलाल। देखिए बहुत डिफरेंट है, क्या लिखा हुआ है? अगुवाई जनक, गौरा देवी जनक हो जाएगी। अगुवाई किसने क्या था? तो बताएंगे सर सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत डिफरेंट है, एक एक बात को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई, नहीं तो फिर आप चीखते रह जाएंगे मैंने आंसर सही कर आया है और यहाँ पे आंसर गलत मार के आए हैं, ठीक है। ये सब ध्यान देना है, छोटे छोटे गलतियां को सुधारें। तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुण कौन हो जाएगी? अगुवाई हो जाएगी। और अगर पर जनक कहा जाएगा सुंदरलाल या सॉरी आपका गौरा देवी, क्या हो जाएगी? गौरा देवी। अगला क्वेश्चन पर आगाज करते हैं सर, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा मेधा पाटकर पर्यावरण आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई कि मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है तो बताएंगे सर किस आंदोलन से, तो बताएंगे सर पर्यावरण आंदोलन से जुड़ा हुआ है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स इसका सही उत्तर हो जाएगी। श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? श्रम विभाजन का सिद्धांत भी दिया था कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। जनजाति आंदोलन संबंधित है, जनजाति आंदोलन जनजाति से संबंधित होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को देखे अभी तक, ठीक है। कंटिन्यू क्लास को हम लोग जारी रखेंगे, तो एक बार आप लोग अच्छी तरह से बताएं पूरा वीडियो को, अगर देखे तो एक बार अपने दिल से बताएं कि आप लोगों को अच्छा लगा क्लास। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और हम लोग पॉलिटिकल साइंस को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में मैंने जब ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन देखा उसके बाद आप लोगों का ब्लूप्रिंट में तो एग्जाम नहीं होता था आपके, मैं बात करूँ अगर प्रीबोर्ड का, तो प्रीबोर्ड में एग्जाम में ना काफी क्वेश्चन को रोटेट किया है। तो मैं चाह रहा हूं आप लोगों को कि पहले से ही आप लोग तैयार रहिए। चलिए आशा करते हैं कि अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।